बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार जूसी और स्पाइसी चिकन गार्लिक मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बस जब आप इसको बनाएंगे तो एक बार तो ज़रूर कहेंगे कि ये रेसिपी आप तक इतनी देर से क्यों पहुँची। आपकी फैमिली की फेवरेट बन जाने वाली ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और आप इसको झटपट से बना सकेंगे। ये धमाकेदार रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो छोटी सी बेल है उसको भी प्रेस कर लें। सेवन हंड्रेड ग्राम चिकन में 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। वन टीस्पून सॉल्ट है, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं तो इसको हम साइड पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। नेक्स्ट हमने थोड़े से स्पाइसेस पीसने हैं। ग्राइंडर के जार में हम 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून भर के जीरा है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च है, 4 लौंग हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 2 सब्ज इलायची हैं, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इन सब स्पाइसेस को हम ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से पीसने के बाद इसमें हम डालेंगे 10 से 12 लहसुन के जवे, इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। अब हम अपना कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। चिकन गार्लिक मसाला बनाने के लिए कोई सा भी खुला पैन या पॉट ले लें और इसमें हम 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 2 बड़े साइज की कटी हुई प्याज। हाई हीट पर हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज का रंग गोल्डन हो गया है, बस हमें इसी तरह चाहिए। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। तीन चार मिनट भूनने के बाद लिड इसके ऊपर रख देंगे और हीट हम लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक इसको दम पे रख देंगे। दस से 12 मिनट के बाद चिकन को देखेंगे। ये देखें, चिकन ने काफी पानी रिलीज किया है, चिकन जो है वो इसके अंदर ही गल जाएगा। अब जो हमने गार्लिक मसाला बनाया है वो इसके अंदर डालेंगे। मसाला डालने के बाद हीट को मीडियम रखकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर देखें क्या जबरदस्त है। अब इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डालेंगे। चिकन को टमाटरों के साथ बस हल्का सा मिक्स करेंगे।
और लिड इसके ऊपर रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। दस मिनट के बाद हमारा जबरदस्त चिकन गार्लिक मसाला रेडी है। कुछ बुलेट चिलीज और धनिया डालेंगे इसके ऊपर। देखने में जितना ये यम्मी लग रहा है, जायके में इससे ज्यादा लाजवाब है। और इसका मसाला तो बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपकी फैमिली को भी ये बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी दे दें। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और इसके लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।